राधान जस मुखम खंगांग बलिते राधा विहार विपिने रमतांग मनो में भजामि राधांग मरविंद नेत्रांग स्मरामि राधांग मधुरस्मिताश्याम बदामि राधांग करुणा भरात्रांग तत्त्वमन्यास्ते गतिर्न क्वापि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद एक बार हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण समझ बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्रीधाम ब्रजमंडल वृंदावन परिक्रमा करते करते अभी जिस स्थान पर हम उपस्थित हुए हैं इस स्थान का नाम है धीर समीर। अभी हम तीर्थ महाराज की बड़ी अच्छी अच्छी बात बता रहे थे। धीर समीर, समीर मतलब होता है हवा, धीर मतलब यहाँ पर धीर हो गया। बोले क्यों धीर हो गया? जब यहाँ पर राधा कृष्ण का जो निकुंज लीला है, यहाँ पर राधा कृष्ण ने दिव्य उन्हें निकुंज लीला की है। अभी अभी हमारे उत्तम प्रभु जी जो भजन गा रहे थे, धीर समीरे जपुना धीरे बसत बने बनमाली, ये कवि जयदेव ने ये गीत गोविंद ग्रंथ में ये सब चीज को उन्होंने वर्णना किया है। क्योंकि जो गीत गोविंद ग्रंथ इसकी इतने महत्व ही ये ग्रंथ की, यदि ये ग्रंथ को कौन कहाँ पर आस्वादन करते थे, बल्कि ये ग्रंथ को श्रीमान चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में बैठ करके ये सब पद्यावलियों को श्रवण करते थे। बल्कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? बल्कि ये कृष्ण स्वयं, जब उन्होंने द्वापर युग का लीला समाप्त हो गया, जब महाप्रभु अपना गोलोक वृंदावन में गए, एक दिन निकुंज में बैठ करके सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कहते मेरे मन में जितनी इच्छाएं थी वो सारी इच्छाओं को मैंने पूर्ण की है। मैं भगवान होते हुए भी सखाओं का सख्य रस में बसीभूत होकर के कभी घोड़ा भी बना, कभी उनका झूठर भी खाया है, और बात्सल रस में बसीभूत होकर के हमने दुनिया को मैं बांध कर रखता हूँ, मेरे को मैया जसोदा बांध कर दिया करती थी। मैं भगवान होते हुए भी जहाँ पर विश्व ब्रह्मांड, जब मेरे चरणों को विश्व ब्रह्मांड पूजा करते हैं, लेकिन मैंने ब्रज गोपियों के पास में नपार हम निरबद्ध सजुजा खोल करके जिनकी प्रेम को सामने में स्वयं झोली फैला कर जिनके प्रेम की मैंने भिक्षा मांगी, और जहाँ पर श्री राधा रानी के चरण में स्मर गरल खंडनम मम श्रेष्ठ मंडनम देही पद पल्लव उदारम, जहाँ पर राधा रानी के चरण चरण को नीचे जहाँ पर मेरे सर झुका दिया करता था। इसलिए महाप्रभु सोच रहे हैं जो लीला मैं स्वयं ये सारे रस को आस्वादन की, लेकिन एक चीज तो मेरे दिमाग से ऊपर चला गया, वो क्या है? बल राधा या प्रणव महिमा की दृष्टा, राधा रानी की प्रेम की महिमा क्या है और मेरे अंदर में क्या माधुर्य है, और राधा रानी मेरे माधुर्य को किस रूप में, ये राधा रानी मेरी माधुर्य का आस्वादन करती है। इसलिए कभी ये चीज मेरे दिमाग से ऊपर चला गया। इसलिए कलयुग में स्वयं कृष्ण राधा जी भाव और अंगकांति लेकर के इसी जगत में श्री सच्चिदानंद गौरव रूप में आते हैं, और गंभीरा में बैठ करके अभी जो भजन गा रहे थे ना, धीर समीर जमुना धीरे बसत बने बनमाली, महाप्रभु ये ग्रंथों को आस्वादन करते थे। फिर आप लोग समझो ये ग्रंथ की कितने महत्व है, ये ग्रंथ की जिसमें ये धीर समीर यमुना धीरे जिस भजन को गाए। इसलिए कृष्ण जब ये दिव्य लीला यहाँ पर निकुंज की, कृष्ण ने लीला की, जिसको श्री तीर्थ महाराज जी हमारे उज्ज्वल नेमणि ग्रंथ से राधा रानी के अंदर में क्या क्या दिव्य भावना है, क्या दिव्य उन्माद है, इनके अंदर में जो मादना से मदना के जो महाभाव है, राधा रानी के ऐसे अलग अलग समय पर राधा रानी के अंदर में जो आठ तरह का जो नायिका के भाव कब कब प्रकट होता है, दस दशा क्या है,
तथा हमारा गुरु श्री रूप गोस्वामी ये उज्ज्वल निर्मल ग्रंथ में ये सारे दिव्य भाव को उन्होंने वहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। इसलिए किसी समय कृष्ण यहाँ पर आए और अपना सूप के द्वारा खबर दिया राधा रानी को, हम यहीं पर आकर के मिलेंगे। अभी श्याम सुंदर सखियों के साथ में बड़े सुंदर यहाँ पर निकुंज मंदिर यहाँ पर बनाते हैं, बना करके कृष्ण निकुंज मंदिर में बैठे हुए, कब श्री कृष्ण जी आएगा। ये जो भजन गा रहे था पद्धति पसत्र, मतलब कृष्ण राधा रानी से मिलने के लिए इतने उत्कंठा है, अगर कहीं पत्ते का थोड़ा खड़खड़ शब्द होना कृष्ण चौंक उठते हैं, कुंजों को बाहर जाकर के देखते हैं, श्री कृष्णेश्वरी तो आई नहीं, श्री राधा रानी तो नहीं आई। इसलिए यही पर श्याम सुंदर कवि राधा जी को साथ में मिलने के लिए दिव्य उन्माद भाव से कृष्ण यहाँ पर बैठे हुए। कृष्ण कितने में सखियों को पूछे, बोले ये बताओ राधा रानी क्यों नहीं आ रही। सखियों ने कहा लगता है राधा रानी कहीं मान की होगी, आपको घर में कोई क्रोधित हो इसलिए नहीं आती है। बोले क्या करनी चाहिए, कल राधा रानी के मंत्र जप करनी चाहिए। तो उन्होंने सखियों से राधा रानी का मंत्र को लेते हैं, अब श्याम सुंदर निकुंज में बैठी करके राधा रानी की मंत्र जप करते हैं। तभी श्री किशोर जी नहीं आती है, कहते राधा रानी क्यों नहीं आ रही है। बोले लगता है आप जो मंत्र जप कर रहे हैं ना वो बेमन से कर रहे हैं, आप मन लगा कर मंत्र जप नहीं कर रहे, इसलिए राधा रानी आ नहीं गई। बोले फिर क्या करनी चाहिए, बोले कीर्तन करनी चाहिए, क्योंकि जो कीर्तन है कहते परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तनम, कभी कभी स्मरण करो मन कभी कभी इधर उधर भटता है, लेकिन जब कभी कीर्तन करते हैं ना वो कीर्तन कितने महिमा है, संपूर्ण रूप में आपका मन प्राण चित्त संपूर्ण कीर्तन में डूब जाती है, फिर मन इधर उधर कहीं नहीं जाती है। बस आप कीर्तन करो राधा रानी की, फिर राधा रानी सखियों के साथ में यहीं पर राधा रानी की कीर्तन करते हैं। बोले राधे बोल राधे बोल वृंदावन की गलियन डोल, राधे कीर्तन में संपूर्ण डूब गए। इतने में श्री राधा रानी वहां पर प्रकट होकर के श्याम सुंदर का दर्शन देते हैं। इसलिए यहाँ पर राधा रानी के दिव्य इसलिए स्थान का नाम है धीर समीर, जहाँ पर राधा रानी की कृष्ण की दिव्य निकुंज को लीला दर्शन करके समीर मतलब हवा जहाँ पर धीर हो जाता है। इसलिए भागवत में बताया तेज बारी मृदाम जथा विनिमयो जत्र त्रिसर गम्भीरता, ये रास मंडल का ये अंतर्गत है, ये रास मंडल का जहाँ पर तेज तेज मतलब होता है चंद्रमा, इनकी लीलाओं को दर्शन करके जहाँ पर चंद्रमा, हम चंद्र सरोवर में जाएंगे जहाँ पर चंद्रमा ब्रह्मा का एक दिन तक उनकी ये दिव्य लीला दर्शन करके वहीं पर रह जाते हैं। मृदा मृदा मतलब होता है श्री गिरिराज गोवर्धन, कृष्ण जब दिव्य लीला करते हैं जिसको द्वारा कहते जो गिरिराज गोवर्धन भी द्रवीभूत होकर के वहां पर भी किचड़ किचड़ बन जाती है, और कहते तेज बारी मृदा, तेज बारी बारी मतलब होता है पानी, जहां पर पानी यमुना नदी ऐसे बहती है, लेकिन कृष्ण इनकी दिव्य लीला देख करके जहाँ यमुना उल्टी बहने लग जाती है, इसलिए ये स्थान का नाम है धीर समीर। और यहाँ पर देखो एक मंदिर है, जो मंदिर है श्री गौरदास जी का मंदिर है, कहती है श्री गौरदास जी कहती है कृष्ण लीला में ये सुबल सखा गए, जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु गए कालना में गए, हाँ महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कालना में गए, अभी सुबल सखा है ये कहती है प्रिय नर्म सखा है, कहते प्रिय नर्म सखा में कभी कभी इनके श्रृंगार रस में भी ये प्रिय नर्म सखाओं का प्रवेश है। इसलिए सखाओं के साथ में कितने सख्य रस होगा आपको पता, कितने हसी लगी, अरे ये श्रृंगार रस के सुबल सखा है,
कभी ये सुबल, कभी जो सुबल है ना वो इतना राधा रानी को साथ में मिलते हैं, इतने इंतजार में मिलती हैं। अगर कभी कृष्ण को अगर राधा रानी को साथ में मिलना हो तो कृष्ण कभी कभी ये सुबल सखा को भेज देते, बोले सुबल सखा जाओ इसी तरह से राधा रानी से मेरे को मिलाओ, नहीं तो हम तो राधा रानी की विरह में प्राण त्याग दे देंगे। इतने में सुबल सखा चली जाती है, जहाँ पर जटला कुटला जय तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, बोले हमारा कोई बछड़ा खो गया, बोले कहाँ पर, बोले अंदर में होगा। इतने वो अंदर में जा करके और सुबल का जो मुंह है राधा रानी का मुखारपन करके मिल भी जुलती है। इतने में सुबल फिर राधा रानी को कहते, बोले राधे श्याम सुंदर तेरे विरह में प्राण त्याग करना चाह रही है, इसलिए एक काम करो जल्द जल्द पूरा ड्रेस धो लो, तेरे ड्रेस को मेरे दे दो। और देख रहे राधा रानी इनकी रूप धारण कर लेते हैं और गोद को ऊपर में बछड़ा को धारण करते हुए। इतने में जटला कुटला समझ नहीं पाते, बोले मिल गया, बोले हाँ बछड़ा मिल गया, बस लेकर के आ जाते हैं और कहते हैं श्री श्याम सुंदर को, बोले देखो आज तो राधा रानी से मिलना बहुत कठिन है, आज तो राधा रानी नहीं आ सकती तुम्हारे साथ मिलने के लिए। इतने में कृष्ण जब दुखी हो जाते हैं ना, फिर बछड़े को उतार देती है। तब ये इतने राधा रानी को साथ में अगर कृष्ण को मिलाने का कोई है तो ये है। तो समझो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का कितने प्रिय है, रोज रोज इनको अलग तरह तरह से अन्न व्यंजन बना करके ये खिलाते हैं। कभी कभी महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कहते नहीं इतना तरह तरह का बनाने का जरूरत नहीं, कुछ एक चीज बनाओ, नहीं तो हम खाना नहीं खा, कल करेंगे, फिर कल भी बनाते हैं। अभी ये महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को गौरदास किसी तरह से छोड़ना नहीं चाह रहे, जब जब तैयारी हो तब तो रोने लग जाते हैं। बोले एक काम करो नीम की लकड़ी में ये नित्यानंद हमारा दो विग्रह को बनाओ। उन्होंने दो विग्रह को बनाए और उन्हें चार पतल लगाए और चार पीढ़ा लगाए और एक साथ में जो विग्रह है साक्षात रूप में एक साथ में भोजन किया। भोजन करने का बाद इतने में महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कहते ये बताओ हम दोनों भैया को तुम रखना चाहते हो ना ये विग्रह को रखना चाहते हो। बोले विग्रह से क्या मतलब है, मतलब तुम्हारी साथ में हमारी मतलब है, हमारा विग्रह से कोई मतलब नहीं। इतना बोलते ही विग्रह तो है कहते स्वयं विग्रह वहां पर खड़े होकर के स्वयं विग्रह वहां पर चलना शुरू कर देते और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु विग्रह बन जाते हैं। तब ये क्या हो गया, ये तो विग्रह चारे फिर भागते हुए जाते, बोले कहाँ जा रहे हो, बोले उनको पकड़ करके खेलते हैं आ जा आ जाओ, बोले तुम तो हमको रख लिया, बोले नहीं आप ही रह जाओ। फिर क्या होता है, फिर ये स्वयं नित्यानंद प्रभु महाप्रभु चलने लग जाते हैं। लास्ट में कालना में उसका नाम पड़ गया कालना, मतलब जब कल हो ना, बोले नहीं बोले आज नहीं फिर कल जाना, इसलिए हो गया कालना आज नहीं कल। इसलिए अभी भी वहां पर स्वयं महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु वहां पर साक्षात रूप में रह गए और जो विग्रह वो स्वयं चलते 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 स्वयं विग्रह वहां चले गए। इसलिए इनकी प्रेम में इतने वशीभूत हो गए स्वयं जहां पर नित्यानंद प्रभु महाप्रभु स्वयं वहां पर रुक जाते हैं। हम तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को देखे ही नहीं, अगर देखना हो तो हम कालना में जब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को देखोगे ना आपको लग जाए साक्षात ये महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु है। कभी यहाँ पर और एक लीला हुई है, यहाँ पर से जो ध्यान चांद थे इनके गुरु थे, कौन है इनके गुरु, श्री गोपाल गुरु, और उनका जो गुरुदेव थे श्री बक्रेश्वर पंडित। अभी श्री बक्रेश्वर पंडित वो रहते थे श्री जगन्नाथपुरी में, वो गंभीरा में रहते थे, लेकिन वो सो भजनानंदी महापुरुष थे। अभी उन्होंने कृष्ण विरह में महाप्रभु चले जाने के बाद इनकी विरह में इन्होंने अपना शरीर को त्याग दी, लेकिन नियम होता है गुरुदेव जब चले जाए अपना शिष्यों का नाम पर सब कुछ लिख करके जानी चाहिए, लेकिन वो भजनानंदी महापुरुष थे और शिष्य लोग भी भजनानंदी महापुरुष थे, होने का नाते उन्होंने ये जमीन जगह के ऊपर में कोई उन्होंने नजर नहीं दिया। वो भी कृष्ण विरह में उसको बाद में भी वो भी शरीर छोड़कर चले गए, लेकिन उसको बाद में आए श्री ध्यानचांद। जब आए परवर्ती समय में जो सरकार था, बोले भैया ये गंभीरा की मालिक हो, बोले मैं, बोले तुम्हारे नाम पर गुरुदेव कुछ लिख कर गए, बोले नहीं लिख कर, बोले तुम ये मंदिर का मालिक है, यहाँ से निकलो, यहाँ से हटो, तुम्हारे नाम पर कुछ नहीं। अभी तो बड़ी चिंता में पड़ेगी, अभी क्या होगा। इतने में कोई एक व्यक्ति वृंदावन दर्शन करने के लिए आए तो देखा यहाँ पर उनका जो गुरुदेव श्री बक्रेश्वर पंडित जी यहीं पर बैठ करके भजन कर रहे। उन्होंने कहा मैंने तो वृंदावन में गया था
देखा वहां पर तुम्हारी जो परम गुरुदेव वहां पर बैठ कर भजन कर रहे हैं। बोले भजन कर रहे हैं। बोले कहां पर? बोले ये धीर समीर में बैठ करके यहाँ पर भजन कर रहे हैं। तब उन्होंने सुन करके बड़े प्रसन्न हुए। फिर ध्यान चांदी यहाँ पर आए, देखा सचमुच से उनका जो परम गुरुदेव यहाँ पर बैठ कर भजन कर रहे हैं। तब उन्होंने गुरु जी के चरण में गिर पड़े। बोले आप भी अपना शिष्यों का नाम पर लिख कर गए नहीं, मैं भी ऐसे भजनानंदी में विभोर होकर के हम भी इसमें कोई ध्यान नहीं दिया। अभी ये सरकार अभी ये जोर जबरदस्ती ये प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं, इसलिए आपको जाकर के बोलना पड़ेगा ये जो है मेरे शिष्य का शिष्य ये है, आपको जाकर बोलना पड़ेगा, नहीं तो महाप्रभु का भजन स्थली जहाँ पर महाप्रभु 18 साल तक रहे और जहाँ महाप्रभु का सारे परिकरों का स्थान है, अगर वो चला जाएगा तो महाप्रभु का स्मृति नष्ट हो जाएगा। जो बोले बोले देखो मैं यहाँ से तो नहीं जा सकता, एक काम करो मैं वहां पर एक नीम वृक्ष रूप में प्रकट होऊंगा और ये नीम वृक्ष से मेरे मूर्ति बनाना और मैं स्वयं राजा को सामने ये मूर्ति स्वयं राजा को सामने गवाही देगा। नहीं, ये मेरे शिष्यों का शिष्य ये है, मेरे बाद में ये जमीनी का अधिकारी है। सचमुच उन्हें नीम वृक्ष रूप में प्रकट हुए, उन्होंने उसका मूर्ति बनाए और स्वयं मूर्ति स्वयं उनको साथ में बात किया। देखो यहाँ द्वारा एक बहुत बड़ी शिक्षा है, यहाँ पर ये शिक्षा ये है। बहुत बंद कर दो, आपसे क्या हो रहा है? इसलिए बोले उनको ये बोले कि बहुत बड़ी इसमें शिक्षा है, उसमें शिक्षा ये है गुरु अगर सचमुच से सिद्ध महापुरुष है, अगर शिष्य अगर कभी अगर गुरु अगर कभी चले जाते हैं, अगर परवर्ती समय पर अगर शिष्य को ऊपर में कोई अगर बाधा विपत्ति आए, अगर गुरु अगर सचमुच से सिद्ध महापुरुष है लेकिन गुरु जी को अगर हृदय से अगर गुरु जी को आप पुकारो ना, गुरु जी वो चीज को आवाज देते हैं। जैसे हमारे श्रील भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज, उनको गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज हुए, इसलिए जब उन्होंने उनका जीवन चरित्र को लिख रहे थे, लिखते समय उसमें जो प्रस्तावना इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, तो उन्होंने गुरु जी को स्मरण करते करते सो गए। जब सो गए तब रात को गुरुदेव स्वयं आए, उस समय हमारे जो गोपीकांत प्रभु जनार्दन महाराज उनकी सेवा कर रहे थे, देखा गुरुदेव रात भर किसको साथ में बात कर रहे थे। सवेरे हुआ तो भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी महाराज बोले रात भर मैंने सो नहीं पाया। बोले सोएंगे कैसे? मैंने कहा रात भर आप तो किसका साथ बात कर रहे थे। बोले गुरुदेव आप किसको साथ में बात कर रहे थे? तब वेदांत बामन गोस्वामी महाराज कहते हैं मैंने सोते सत्ते अपना गुरु जी का स्मरण करते करते मैंने सो गया। और इसमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखे, और गुरुदेव आए थे और गुरुदेव के साथ में मैं चर्चा कर रहा था, बात कर रहा था, इसको प्रस्तावना में मैं क्या दूं। इसलिए प्रभुपाद भी इन्होंने हमारे श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जब उन्होंने सन्यासी ग्रहण नहीं कर रहे थे, बोले मुझे सन्यासी ग्रहण नहीं करना, प्रभुपाद भी बारम्बार आकर के श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को बोले विनोद अगर तुम सन्यास नहीं लोगे ना मेरे सारे प्रचार समाप्त हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी तुम सन्यास लो और सन्यास लेकर के प्रचार को धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। सचमुच से उन्होंने सन्यास ग्रहण किया और सन्यास ग्रहण करके देखो आप जब नवद्वीप परिक्रमा देखोगे ना, उन्हें बोले नवद्वीप परिक्रमा समाप्त हो रहा है, सारे ग्रंथ प्रकाशन समाप्त हो रहा है। सचमुच से भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी यही थे, उन्होंने प्रचार किया और उनको शिष्य रूप में 3 विशेष महापुरुष आए, एक भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत श्री त्रिजुतराम महाराज, बामन महाराज, और उनने ऐसे प्रचार किया, विशेष करके हमारे महाराज जी ऐसे प्रचार किया। आप देख रहे हो विश्व ब्रह्मांड के सारे व्यक्ति, देश विदेश के सारे व्यक्ति आकर के यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। इसलिए गुरु जी सामने गौर किशोर बाबा जी महाराज भक्तियों ठाकुर प्रकट हुए जब सतनाम को, इसलिए गुरु वर्ग होकर हृदय से स्मरण करना, गुरुदेव प्रकट होकर के सब कुछ स्मृति कराते हैं। हम लोग यहाँ पर वैष्णव के अनुगत्य में आए और ये स्थली संपूर्ण राधा कृष्ण का प्रेम युक्त स्थली है, यहाँ पर हम प्रणाम करते हैं, यहाँ का चरण धूलि शरीर में लगाते हैं, जैसे यहाँ का लीला एक दिन हमारे हृदय में प्रकट हो और वो भक्ति ब्रज रस में एक बार डूब सके। वंशागल गुरुभ्यस्त कृपा सिंधु भय वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।